मित्रों, सन 2006 से सुंदरकांड पर मेरा काम चल रहा है और करीब 15 पुस्तकें हो गई हैं। अभी 3 पुस्तकें और आनी बाकी हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि रामायण पर मात्र आधे घंटे का समय जो दिया गया है मुझे, उसमें पूरा बोल सकूं। 10 साल में जो है सुंदरकांड ही पूरा नहीं हो पाया, तो रामायण क्या पूरी होगी। लेकिन एक पंक्ति पर बोलना चाहता हूं, और वो इसलिए बोलना चाहता हूं कि उस पंक्ति को लेकर न केवल तुलसी के प्रति, न केवल रामचरितमानस के प्रति, राम के प्रति, बल्कि हमारी संपूर्ण संस्कृति के बारे में बहुत तरह से प्रवाद फैलाए गए। और वो पंक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पंक्तियों को लेकर काफी कुछ कहा गया है, ज्यादातर आरोप नारी या शूद्र के बारे में। कहा गया है कि तुलसीदास इन दोनों वर्गों के प्रति पूर्वग्रहग्रस्त थे और असहिष्णु थे। मुझे समझ नहीं आता कि पशु अधिकारों के रक्षक क्यों चुप हैं। एनिमल लिबरेशन और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा क्यों चुप है? क्या खग मृग तरुवंश श्रेणी वाला सर्वात्मवाद सुंदरकांड तक आते आते खत्म हो गया था? उस सुंदरकांड में जिसके नायक कपिश्रेष्ठ हनुमान है, इन पंक्तियों को लेकर ऐसे प्रवाद। तुलसीदास के इस उद्धरण को बदमाशी भरा, नोटोरियस कहा गया। इनमें से काफी कुछ प्रवाद तो सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे। मसलन एक ब्लॉगर हैं अनिमेश, उनका यह कहना है कि ये शब्द राम के द्वारा नहीं लक्ष्मण के द्वारा कहे गए थे। लक्ष्मण थोड़े टेम्परामेंटल रहे हैं तो राम को बचाने के लिए उन पर आरोप मर देना अनपढ़ों के लिए आसान पड़ता। एक दूसरे ब्लॉगर हैं नेपाल के विश्व पौडेल, वो ये पाकर राहत की सांस लेते हैं कि यह बात न तो राम के और न लक्ष्मण के द्वारा कही गई, बल्कि एक अन्य पात्र समुद्र के द्वारा आत्मपीड़क टोन में कही गई, सेल्फ फ्लैग्रेटरी टोन में कही गई। एक अन्य ब्लॉगर है अग्निवीर, वो कहते हैं कि इन एनी केस ब्रिंगिंग नारी इन सेम कैटेगरी एज ढोल गवार शूद्र पशु इवन वाइल टॉकिंग ऑफ एजुकेशन राइट इज ह्यूमिलेटिंग। Regardless of what Tulsi ji intended, this example of equating women with animals, drums, uncivilized animals, idiots and pandits need training is in poor taste. What if I say, if these people need training, technically correct, but in bad taste? एक अन्य सज्जन है, वो इस पंक्ति को उद्धृत करके कहते हैं कि तुलसीदास डिड नॉट हैव मच रिगार्ड फॉर वीमेन। हालांकि हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा थे, उन्होंने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। आप लोगों ने सुरेंद्र शर्मा को सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि मैंने घड़ाली से बोलिया, तुझे रामायण के इस दोहे का मतलब पता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। घड़ारी बोलिए, अच्छी इसका मतलब तो साफ है, इसमें एक जगह मैं हूं, चार जगह आप। मजाक एक तरफ, ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट पर कही जा रही बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी एक वेबसाइट www.theindian.com फोरम्स तो इस कथन का रचयिता चाणक्य को मानकर उसकी मजम्मत करने लगती है। इस तरह के अज्ञान की बहुत आयत है। एक अन्य वेबसाइट blogs.ibibo.com में इसका अर्थ यह किया गया है, मीनिंग दैट एनिमल्स इलिटरेट्स लोअर कास्ट एंड वीमेन शुड बी सब्जेक्टेड टू बीटिंग, दस वीमेन वर कंपेयर्ड विद एनिमल्स एंड वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। सागरिका घोष हैं, वे अपने एक लेख में कहती हैं,
The famous poet Tulsidas once said, Dholgowner Shudra Pashunari, Sakal Tadana Ke Adhikari, women, animals and Shudra, lower caste, should be thrown out of society. एक अन्य सज्जन है वो indiamike.com में लिखते हैं दिस इज वॉट आई हैव रेड माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड एनी वेटिकन ट्रांसलेशन फॉर दिस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ड्रम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फेलास फ्रॉम विलेजेस दलित्स लोअर कास्ट लाइव स्टॉक एंड वीमेन शुड बी बीटन एवरी डे इन पंक्तियों का आशय प्रतिदिन पीटने या इन वर्गों को समाज से बाहर फेंकने का किया जाएगा इसकी कल्पना तुलसीदास ने अपने भयंकरतम दुस्वप्न में भी नहीं की थी फिर इनमें पाकिस्तानी कड़ियां भी आ जुड़ेंगी एक वेबसाइट है www.paklinks.com इसमें इस पंक्ति के आधार पर एक गपशप चला दी गई है कि इज हिंदुइज्म अ फॉलोएबल रिलीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड दलित चिंतकों ने इसे शूद्र की ताड़ना को तुलसी का समर्थन बताया श्री सूरजभान तो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर अधिष्ठित थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से उन्होंने कहा और रामचरितमानस की इस पंक्ति का उद्धरण देते हुए कहा कि ऐसे उद्गारों को शास्त्रों से हटा दिया जाना चाहिए शुड नॉट बी अलाउड इन प्रिंट इन अ सोसाइटी विद अ कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल 1983 में एक सांसद श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री उन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अमेंडमेंट बिल भी प्रस्तुत किया था इसी पंक्ति को उद्धृत करते हुए मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कोटि विप्रवध लागई जाहू आए सरन तजहु नहीं ताहू कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता जैसे कथनों के आधार पर अभी तक किसी ने तुलसी को ब्राह्मण विरोधी क्यों नहीं बताया किसी ने जैसे इस एक कथन को शास्त्र से निकालना चाहा वैसे उस एक कथन को क्यों नहीं निकलवाना चाहा पहला कथन तो समुद्र जैसे जड़ पात्र द्वारा तुलसी ने कहलवाया है इनकी नाथ सहज जड़ करनी वह भी ऐसे जड़ पात्र के द्वारा जो गहरी आत्मग्लानी में ग्रस्त है लेकिन कोटि विप्रवद का उद्गार तो साक्षात प्रभु राम को कहते हुए बतलाया गया संवेदना का यह कौन सा ध्रुवांत है जिसके तहत एक का ताड़न भी सहन करने योग्य नहीं लगता और दूसरे का वध भी आपत्ति के लायक नहीं लगता संवेदना के इस सरहद पर एक और कोटि का फर्क भी जो है समाप्त हो जाता है कोटि विप्रवत तो एक तरह का जेनोसाइड हुआ तो क्या तुलसी ब्राह्मणों का प्रोग्राम करवाना चाह रहे थे एथनिक क्लींसिंग जातीय नरसंहार यदि वह एक कोटि है एक श्रेणी है तो यह कोटि भी कोटि है संख्या नहीं वर्ग संवेदना की ये कौन से कोष्ठक हैं करुणा की ये कौन से कारागार हैं क्या इनकी पूर्ति यह कहकर हो सकती है कि तुलसी ने अन्यत्र द्विज पद प्रेम की बात करके इसका परिहार किया तो यह परिहार गुह निषाद के वट शबरी आदि से क्यों नहीं संभव हुआ क्या तुलसी को इसकी आशंका रामचरितमानस लिखते समय बहुत पहले से नहीं थी जब उन्होंने कहा था कि पहई सुख सुनि सुजन सब खल कर हैं उपहास कि उनकी सृजना को सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे संवेदना का स्वस्तिक एक गतिमय स्वस्तिक है उसकी गति चक्रानुगमन करती है और वही विष्णु का सुदर्शन चक्र है यदि ईश्वर की करुणा जाति भेद कर रही होती तो ईश्वर भी शायद करुणा का कोटा निर्धारित कर रहा होता कोटी से कोटे तक पहुंचने में वक्त ही कितना लगता है लेकिन तुलसी वर्ग भेद का लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे उनके रामराज में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वह है सब शब्द का उपयोग सब नर करहिं परस्पर प्रीति
सब सुंदर सब बिरुज शरीरा सब निर्दम्भ धर्मरत पुनी नर अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। यदि तुलसी की निष्पत्ति किसी पूंजीवादी किसी वर्ग वैषम्यवादी किसी सर्वहारा की तानाशाही वाले समाज की होती तो वे ये सब की रट नहीं लगा रहे होते, वे सब उदार सब पर उपकारी भी नहीं कह रहे होते। बल्कि यदि शूद्र ताड़ना बीटिंग ऑफ स्लेव्स उनका उद्देश्य रहा होता तो वे हम्मुराबी संहिता जैसी कोई रचना कर रहे होते, हमारे यहां भी चैटल स्लेवरी जैसी कोई चीज होती। मॉरिटेनिया में अभी अगस्त 2007 में दासता को आपराधिक बताने वाला कानून आया है, अभी आया है, 2007 में आया है। वहां जनसंख्या का 20% दासत्व की स्थिति में था। नाइजर में अभी भी दासता चलती है। एक नाइजीरियन अध्ययन के अनुसार उस देश में 8% जनसंख्या जो है दासत्व की आज शिकार है। म्यांमार में 8 लाख लोग ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक अध्ययन के अनुसार इसके शिकार हैं। 1926 में जो स्लेवरी अधिवेशन हुआ था उसकी प्रतिज्ञाएं देखिए, 1926 में हुआ उसकी प्रतिज्ञाएं क्या कह रही थी। कुछ लोगों ने इस पंक्ति की व्याख्या इस तरह से करने की कोशिश की है कि वो इंटरप्रेटर कम लगते हैं और अपोलोजिस्ट ज्यादा लगते हैं, कि वो व्याख्या कम लगती है और सफाई अधिक लगती है। जरूरत टीका की है, दिए स्पष्टीकरण जा रहे हैं। मसले ने एक बंधु हैं, मैं उनको सुन रहा था टीवी पर, भाषण दे रहे थे वो धार्मिक प्रवचन, तो उसमें वो कह रहे थे कि तुलसी के समय हिंदी में अंग्रेजी का हाइफन नहीं होता था, इस कारण तुलसी के जिन शब्दों को 5 वर्ग समझा जाता है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, वे वस्तुतः 3 वर्ग हैं। एक ढोल, दूसरा गवार शूद्र और तीसरा पशु नारी, और ये तीनों प्रताड़ना दंड और पिटाई के योग्य हैं। हर शूद्र पिटाई के लायक नहीं है, पहले एक विशेषण उसे क्वालिफाई करता है। हर नारी भी पिटाई के लायक नहीं है, पहले एक विशेषण उसे भी क्वालिफाई करता है। गवार शूद्र और पशु नारी पृथक पृथक संज्ञाएं नहीं है, उनके बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है। ये व्याख्या इन पंक्तियों की कर्कशता को कम करने की और उन्हें सह्य बनाने की कोशिश, एक तरह की नैरो कॉस्टिंग, लेकिन यह उचित नहीं है, औचित्यकृत है, रैशनल नहीं है, रैशनलाइजिंग है। एक पल को इसे मान भी लिया जाए कि बात गवार शूद्र के बारे में कही जा रही है तो उससे समाधान जितना नहीं होता, सवाल उससे ज्यादा उठते हैं। प्रतिप्रश्न यह है कि यदि गवार शूद्र ताड़ना के काबिल है तो गवार ब्राह्मण क्यों नहीं? मनु तो अपमान को ब्राह्मण का पथ्य कहते थे। स्मृतियों में यहां तक कहा गया कि अर्चित और पूजित ब्राह्मण दुही जाती हुई गाय के समान खिन्न हो जाता है। गंवार ब्राह्मण को तो शास्त्रों में पंक्ति दूषक ब्राह्मण या अपांक्तेय ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया। वेदव्यास ने महाभारत के वन पर्व में चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः स शूद्रात् तिरेच्यते क्यों कहा था? देवी भागवत में यस त्वाचार विहीनोत्र वर्तते द्विज सत्तमः को बहिष्कार योग्य क्यों कहा गया? गंवार शूद्र क्यों? गंवार वैश्य गंवार क्षत्रिय को भी ताड़ना मिलनी चाहिए, बात तो आचरण की है। वाल्मीकि ने यही तो कहा था, कुलीनम अकलीन वा वीरम पुरुष मानिनम चारित्र्यमेव व्याख्याति शुचिवा यदि वा शुचिम, कि मनुष्य का चरित्र ही यह बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर, अथवा पवित्र है या अपवित्र। तो गवार शूद्र को किसी विशेष ताड़ना का हिस्सा बनाना कवि तुलसीदास का अभिप्रेत नहीं हो सकता था।
यही बात पशुनारी के संदर्भ में है। क्या तुलसी उत्तर पूर्वी कंबोडिया के जंगलों में अभी जनवरी 2007 में पाई उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे जो 6 साल की उम्र में जंगलों में खो गई, 19 साल जंगलों में जानवरों के बीच रही और जब पुलिस ने उसे बरामद किया तो वह पूर्णतः जानवरों जैसी हरकतें कर रही थी, पशुनारी? क्या वे वाइल्ड वोल्फ वुमेन के बारे में किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे? क्या तुलसी अरस्तु की तरह स्त्री को आत्मविहीन प्राणी मान रहे थे, सोललेस? क्या नारी की एनिमलिटी पुरुष के पशुत्व से विशेष पदतर है? तुलसी पशु पुरुष को प्रताड़ना योग्य फिर क्यों नहीं मानते? क्या तुलसी पशुनारी के रूप में किन्हीं गुरिल्ला नारियों को ताड़ना योग्य बता रहे थे? स्त्रीवादी लेखिका हैं एलिजाबेथ स्पेलमैन, उन्होंने सोमाटोफोबिया नामक एक मानसिक व्याधि की चर्चा की है जिसमें स्त्री को पशु से समीकृत किया जाता है। क्या तुलसी इस सोमाटोफोबिया के शिकार थे? क्या पशुनारी शब्द अपने आप में ही पशु और मनुष्य के बीच में किसी द्वैत के होने का परिचायक नहीं है? शैव दर्शन में पशुपति की संकल्पना पशु की व्याख्या किस तरह से करती है? क्या अंग्रेजी में स्त्रियों को कैटी, श्रू, काउ, बिच, डम्बनी, ओल्ड क्रो, विक्सन कहने वाले अभिधान इसी पशुनारी के बारे में? जोरू के गुलाम के लिए अंग्रेजी में जो हैंडपैक्ड शब्द चलता है वो स्त्री को मुर्गी मानता। ये तो नकारात्मक अर्थों वाले शब्द हैं, लेकिन फॉक्सी जैसे स्त्री विश्लेषण भी स्त्री की पशु पहचान को ही उभारते हैं। तो क्या तुलसीदास किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट के समर्थक थे? क्या तुलसीदास भारत में पशु और मनुष्य के बीच सांस्कृतिक रिश्तेदारी से अनभिज्ञ थे? पशुनारी हमेशा ही नकारात्मक हो यह भी कैसे मान लिया जाए? मैरी वेब का एक उपन्यास है गोन टू अर्थ, उसे पढ़िए, 1917 में लिखा गया, जिसमें उसने हेजल नामक एक स्त्री पात्र की रचना की है जिसमें जंगली निर्दोषिता और ऊर्जस्विता है जो अपने आसपास के सामाजिक विश्व को जैसे बिलोंग ही नहीं करती। क्या वह पशु नारी ताड़ना की योग्य लगती है? हेजल इतनी संवेदनशीलता है और वो पशुओं की मूक वेदना को इतना समझती है कि एक छोटी सी लोमड़ी को बचाने की कोशिश में प्राण भी दे देती है। क्या तुलसी जैसा संवेदनशील कवि ऐसी प्रकृत सहज नारी की प्रताड़ना के बारे में कभी सोच भी सकेगा? जब बैटमैन, स्पाइडरमैन, एनिमल मैन आदि के रूप में आधुनिक कॉमिक हीरो लोकप्रिय हो रहे हैं तो पशु नारी में ऐसी क्या कमी है कि आधुनिक व्याख्याकार उसे प्रताड़नीय समझ रहे हैं? एनिमल मैन बड़ी बैकर के पास टाइनासोरस रेक्स की शक्ति है, चिड़िया की उड़ान है, मछली की तरह तैरने की योग्यता है, मक्खी के रिफ्लेक्सेस हैं, मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने की शक्ति है, सांप की फुर्ती है, कीड़े की तरह अपने शरीरांगों को फिर से उगाने की शक्ति है, कॉकरोच की तरह का टिकाऊपन है, आदि आदि अनेक जानवरों की शक्तियां हैं। यदि बैकर के विशेष आकर्षण का केंद्र वे पशु शक्तियां रही हैं तो स्त्री में पशुओं की शक्तियों का होना क्या एक विशेष विकर्षण का विषय हो सकता है? अपनी पंक्तियों के इस लिंगाधारित अर्थान्वयन पर, इस फेलोसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन पर तुलसी क्या ऐसे आलोचकों को बधाई देंगे? और भारत की इस आधार पर लानत मलानत करने वाले कि यहां स्त्रियों को ताड़ना के काबिल बताया गया है, स्वयं ये नहीं बताते कि उनके यहां यह क्यों कहा गया है कि अ स्पैनियल, अ वूमेन एंड अ वॉलनट ट्री, अ स्पैनियल, अ वूमेन एंड अ वॉलनट ट्री, द मोर यू बीट देम द बेटर दे बी। इसलिए इस तरह की पंक्तियों के आधार पर सांस्कृतिक या धार्मिक श्रेष्ठता के दावे उपहासास्पद है। बल्कि इस अंग्रेजी उक्ति में बीट शब्द के बारे में कोई अर्थ विषयक भ्रम नहीं है जो ताड़ना के बारे में है, जिस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। मैं एक्सोडस से उद्धृत करूं, व्हेन अ मैन सेल्स हिज डॉटर एज अ स्लेव
She will not be freed at the end of 6 years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again. दासों को मारने के बारे में वहां क्या कहा गया? When a man strikes his male, a female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If, however, the slave survives for a day or two, he is not to be punished, since the slave is his own property. न केवल बेटियों को दासी बनाकर बेचा जाने की संस्वीकृति दी गई, बल्कि यह भी बताया गया कि इसे कैसे किया जा सकता है। तोराह में तो कोई औरत पति की अनुमति के बिना कोई संकल्प तक भी नहीं ले सकती। जिन शहरों को भगवान की कृपा से तुम जीत लेते हो, उनके सभी आदमियों और बच्चों को मार डालो, लेकिन औरतों को अपने भोग के लिए रखो। कहां कहा गया था ये? यदि कोई औरत बलात्कार का शिकार हो जाने पर भी चिल्लाती नहीं है तो उसे मार डाला जाए। कहां कहा गया था ये? कोई बलात्कारी अपने शिकार को उसके पिता से 50 शेकल में खरीद सकता है। कहां कहा गया था ये? इसलिए तुलसी की पंक्ति के आगे सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दावे ठहर नहीं सकते। सुंदरकांड अन्यत्र की तरह ये नहीं कह रहा है कि sin began with a woman and thanks to her we all must die. जेफरसन डेविस, जो अमेरिका के कॉन्फेडरेट राज्यों के अध्यक्ष थे, ने कहा था कि दास प्रथा सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा आदेशित व्यवस्था है। एक अन्य सज्जन थे, अलेक्जेंडर कैंपबेल, उन्होंने कहा कि बाइबल में दास प्रथा को वर्जित करने वाला एक छंद नहीं है, किंतु उसे नियम और विधान में बांधने वाले ढेरों छंद हैं। इसलिए दास प्रथा गलत नहीं है। जिस समय ब्रिटेन और अमेरिका में दास प्रथा का दौर था, उस समय उसे जीसस और बाइबल के संदर्भों से उचित ठहराया जाता था, भले ही वो व्याख्याएं किसी और तरह की रही हों। सो निराकरण क्या है? निराकरण यूं है कि कई बार प्रसंग और संदर्भ से बाहर निकली एक पंक्ति व्यर्थ के कलह, कलुष और कलंक का कारण बन जाती है। बचपन से ही जब कविता का अर्थ हम लोगों को स्कूल में लिखवाया जाता था, तो प्रसंग और संदर्भ सहित लिखवाया जाता था, शायद इसलिए कि चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उद्धृत करने की राजनीति में आगे जाकर हम नहीं उलझे। कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट के वाचन की अनिवार्यता है। सिर्फ पठन, पाठन, पारायण और टीका में ही नहीं, बल्कि जीवन और विकास के मॉडल्स के औचित्य निर्धारण में भी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, संदर्भ संवेदनशीलता एक मूल्य और एक मानक बन गई है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी का तर्क यह है कि हर चीज एक संदर्भ के भीतर है, और यह संदर्भ जो है संज्ञान की सरहद है, सीमेंटिक्स की भी सीमा होती है। प्रत्येक टेक्स्ट की स्थिति जो है एक संप्रेषण का अपना जनपद है, जिसकी चौहद्दी में होती है। शब्द का मुल्क होता है, कवि का इलाका होता है एक अपना। यदि हमें कवि की वाचा की ये परिभूमि नहीं मालूम है, ये सारे सांदर्भिक तत्व ही नहीं मालूम है जिन्होंने कि उस कथ्य को आकार दिया है, तो अक्सर यह दुर्घटना घटती है। यदि पाठक को प्रसंग प्रदेश की भौगोलिकी का ज्ञान नहीं है, तो वह स्वयं अपने पूर्व ज्ञान, स्वयं अपने पूर्वानुभवों, स्वयं अपने पूर्वानुभूतियों और स्वयं अपने विश्वासों का उपयोग जो है अर्थान्वयन में करता है। लेकिन किसी भी कथन का अपना एक पर्यावरण होता है। मैं शब्द के मौसम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कथन की जलवायु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पूरी पारिस्थितिकी की बात कर रहा हूं जो किसी अभिव्यक्त को ऋणित करती है। मैं कह रहा हूं कि कविता का एक लोकाकाश होता है, भाषा का एक सेक्टर फैक्टर होता है। एक ही शब्द है बुलेट, मिलिट्री में उसका अलग अर्थ होगा, सॉफ्टवेयर की दुनिया में अलग अर्थ होगा,
और वित्त की दुनिया में अलग होगा। ध्यान रखें कि रामचरितमानस लोक भाषा में लिखी गई, तुलसीदास जैसे संस्कृत के महापंडित का यह एक सचेत निर्णय था। भाषा निबंद मति मंचल मातनोति के साथ साथ उन्होंने भाषा भनति भोरी मति मोरी, उन्होंने लिखा कि भाखा चिन हरि चरित बखाने, भाखा बद्ध कर्म में सोई, सब भाखा भनति प्रभाव। बार बार उन्होंने इस बात को कहा। ये सारे उद्धरण इस बात के प्रतीक हैं कि तुलसी का संकल्प संस्कृत में नहीं हिंदी भाषा में बल्कि अवधि में लिखने का था। अवधि खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण के पूर्व देश की दूसरी सबसे बड़ी काव्य भाषा थी ब्रज के बाद। मध्यकाल में इसका प्राधान्य न केवल रामचरितमानस से बल्कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से स्थापित हुआ था। लखनऊ, बाराबंकी, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, कानपुर, गोंडा, उन्नाव, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच आदि आदि में अवधि आज भी बोली जाती है। इसलिए इन पंक्तियों के बारे में यदि कोई अर्थ करना होगा तो यह अर्थ वही होगा जो उस जनपद में बोली जाने वाली भाषा अवधि में होता है। वह अर्थ संस्कृत के शब्दकोश से प्राप्त नहीं किया जाएगा, वो लोक भाषा के इन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। और वो बहुत फर्क पैदा करता है। किस रूप में यह मैं बताना चाहता हूं। जो लोग ताड़ना का अर्थ पिटाई या प्रताड़ना से लगाते हैं वे अवधि समझना तो खैर छोड़ें, सुंदरकांड के उस प्रसंग को भी नहीं समझते जिसमें ये पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं। मैंने संदर्भ की बात की थी। इन पंक्तियों का संदर्भ यह है कि राम समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, वे विभीषण की राय पर चल रहे हैं, सलाह पर चल रहे हैं, हालांकि लक्ष्मण की राय किंचित भिन्न है, विनय करने के खिलाफ है। 3 दिन बीत जाने पर भी जड़ जल्दी नहीं पसीजता। तब राम सकोप बोलते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती, शठ के साथ विनय का कोई अर्थ नहीं, ऊसर बीज भय फल जथा। वे लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु, कि वह उनके धनुष बाण लेकर आए ताकि वे सोखों बार दे, समुद्र को सुखा दें। फिर राम के प्रत्यंचा तानते ही समुद्री जीव जंतु सब अकलाने लगते हैं और राम समुद्र को दंड देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अब समुद्र प्रकट होता है और वह उन्हें बताता है कि वह जड़ है। वह उन्हें उनकी मर्यादा की भी याद दिलाता है, लेकिन यह सब वह राम के आशंकित दंड के परिहार के लिए कहता है। यदि उसका लक्ष्य दंड के आमंत्रण का होता तो उसके लिए तो राम पहले ही सन्नद्ध हो चुके हैं। उसका अभिप्रेत तो उस सन्नद्धता का निवारण है। यदि वह सकल ताड़ना के अधिकारी में प्रयुक्त ताड़ना को दंड के अर्थ में लेता कि वह दंडनीय है तो वह राम की सन्नद्धता को ही जस्टिफाई कर रहा होता कि चलो हमें पीट लो, हम तो पीटने के लायक ही हैं। लेकिन वह तो राम को उनकी उस मनोदशा से डिसुएट करना चाहता है। इसलिए यह कहना कि इन वर्गों के माध्यम से वह स्वयं को भी पिटाई के योग्य मान रहा है और ऐसा बताना चाह रहा है, इस प्रसंग के एकदम उल्टा पड़ता है। कई बार मुझे यह भी संदेह होता है कि इस पंक्ति में यदि समुद्र ताड़ना को दंड के अर्थ में ले रहा होता तो वह अपने को किस स्थान पर रखता, किस श्रेणी में रखता? क्या समुद्र एक ढोल है? नहीं। क्या समुद्र गंवार है? नहीं। विभीषण तो उसे प्रभु तुमार कुलगुर जल्दी कहते हैं। इस कुलगुर शब्द से ही शूद्र की कोटि भी निराकृत हो जाती है। क्या समुद्र पशु है? समुद्री जीव जंतु उसमें हैं, लेकिन वह उनसे अधिक है और नारी तो वह है नहीं, तो वह इन वर्गों के अप्रासंगिक नाम ही क्यों गिना रहा है?
क्या वो राम का ध्यान भटकाना चाहता है? क्या वो ये कहना चाहता है कि पिटाई के अधिकारी तो ये सब लोग हैं, मैं नहीं? क्या यह वह चतुराई है कि अपने को दोष मुक्त करने के लिए दूसरे को प्रस्तुत कर देती है? क्या अपराध की यह अन्या क्रांति राम सरीखे मनुष्य को भरमा पाएगी? तब क्या समुद्र राम के दंड के आतंक से इतना अकबका गया है कि आए बाएं साएं कुछ भी कहे जा रहा है? राम उससे पूछ नहीं लेंगे कि औरों को छोड़ो यार, अपनी बताओ। फिलहाल तो राम वैसे ही कुपित हैं। ऐसे में समुद्र द्वारा यह कहने की थोड़ी सी भी कोशिश कि दंड का भागी या पात्र मैं नहीं कोई और है, तो राम के क्रोधानल को और भड़का देगा। तो समुद्र दंड के निवारणार्थ ऐसी कोशिश राम के तत्सामयिक मूड को देखते हुए करने का जोखिम मोल नहीं ले सकता। तब इसका, इस उक्ति का, इस पंक्ति का, इस प्रसंग की संगति में अभिप्रेत अर्थ क्या है? इन वर्गों के विरुद्ध किसी भी तरह की नकारात्मकता समुद्र को उनके ब्रैकेट में नहीं ले जा सकती। वह अपना दोष भुलाने के लिए दूसरे के सर पर मरने जैसी कोई चेष्टा होगी। समुद्र इनके ब्रैकेट में तभी आ सकता है जब वह इनके बारे में कुछ सकारात्मक बोल रहा हो, जब वह इनके बारे में कोई पॉजिटिव बात कर रहा हो, तब वह यह कह सकता है कि जैसे ये सब हैं वैसा ही मैं भी हूं, जैसे तुम इन सब का ध्यान धरे हो वैसे ही मेरा भी ध्यान धरो। गुह, निषाद, केवट, शबरी को प्रेम करने वाले राम के सामने वह गवार और शूद्र को पीटने के लिए कहेगा और खुद पिटाई नहीं खा जाएगा? जटायु को मुक्ति देने वाले और बानर बालू भरूत की सेना बनाने वाले राम के सामने वह पशु की पिटाई की बात करेगा और खुद पिट नहीं जाएगा? सीता तो छोड़ें, जो कैकेयी के विरुद्ध भी ऐसा एक शब्द नहीं बोलने की सावधानी रखते हैं कि जो उनके उसके मन को दुखाए, उन राम के सामने वह नारी को ताड़ना का अधिकारी कह जाएगा और बचके चला भी जाएगा। कम से कम इस चौपाई को जिस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है वहां नकारात्मक अर्थ की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। समुद्र तो एक सीधी सी बात कह रहा है, वह चीजों की अंतर्भूत प्रकृति की बात कर रहा। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी में शिक्षा की बात है, संस्कृति की बात है। फिर वह यह भी कहता है कि मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन, कि मर्यादा भी तुम्हारी ही बनाई हुई है। मर्यादा यानी चीजों का स्वभाव, यह प्रकृति और संस्कृति का द्वंद्व है। इसे रेखांकित करते हुए समुद्र अचानक जाति भेदी बातें या वर्ण भेदी बातें या मेल शोविनिस्ट बातें या पशु विरोधी बातें क्यों करने लगेगा? वहां तो कोई ऐसा पॉजिटिव अभिप्राय होना चाहिए जो राम की क्रोधाग्नि को शीतल करे। राम एक आधुनिक युवक हैं, उनकी संवेदनाएं सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी हैं। उनके सामने किसी तरह के दृष्ट पूर्वाग्रह की बात करना तो कोई साधारण समय में नहीं कर सकता, और उस समय तो बिल्कुल ही अलग बात है जब राम खुद एक फाउल मूड में खड़े हुए हैं वहां। कई लोगों को मैंने इन पंक्तियों को जस्टिफाई करने के चक्कर में बड़ी बड़ी जुगत भिड़ाते हुए देखा। बड़े बड़े पांडित्य के बोझ से ये पंक्तियां झुकी जाती हैं। एक सज्जन ने 5 वर्ग देखे और इसके ऊपर ठीक 5 तत्वों की चर्चा देखी, और उन्होंने गगन समीर अनल जल धरणी को सीधे जो है ढोलगवार शुद्ध पशुनारी से जोड़ दिया, उसी क्रम में जोड़ दिया, तो अब गगन ढोल बन गया। और यह साम्य एकदम अटपटा भी नहीं है, ढोल के भीतर शून्य है और शून्य में स्वन है, तो चलो मान लेते हैं। धरणी को नारी से जोड़ना भी सहज लगता है, नारी धरित्री तो है ही। लेकिन बौद्धिक कसरत तो तब होती है जब आप समीर को गवार से, अनल को शूद्र से और जल को पशु से जोड़ने में करते हैं।
तमाम प्रज्ञा प्राणायाम के बाद भी ये कोई बहुत कन्विंसिंग चीज नहीं लगती। आखिरकार समीर गवार कैसे हो सकता है? मारुति के अध्याय में आप समीर को गवार कहने चले? अनल को शूद्र कहने का एक प्रगतिशील अर्थ तो संभव है कि जो सेवा करता है उसके भीतर एक अग्नि धधका करती है, वह अग्नि धर्मा है, वह आलोक धनवा है। लेकिन इन विशारद ने उसे इन अर्थों में तो लिया नहीं। जल को पशु कहना भी विश्वसनीय नहीं जान पड़ता। फिर इन पंच तत्वों का ताड़ना से क्या रिश्ता? बौद्धिक जिम्नास्टिक्स में ताड़ना का एक संस्कृत अर्थ घर्षण ले लिया गया, तो अग्नि तो घर्षण से पैदा हुई मान लिया गगन, लेकिन बिग बैंग से हुआ। जल और समीर तो इतने प्रत्यक्षता घर्षण परक लगते भी नहीं है। तो मेरा अनुरोध यह है कि तुलसी जब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी बोलते हैं, सकल ताड़ना के अधिकारी बोलते हैं, तो उसमें प्रयुक्त ताड़ना शब्द का अर्थ संस्कृत शब्द कोशों से निकालने की जगह उस अवधि भाषा से निकालना चाहिए जिसमें रामचरितमानस लिखा गया। मैं जब लखनऊ गया, जो अवधि का क्षेत्र है, वहां मैंने एक वृद्धा माँ को, अपनी बेटी को जो मायके आई हुई थी बाल बच्चों समेत अपनी माँ से मिलने के लिए, विदा के वक्त उस वृद्धा माँ को मैंने अपनी बेटी को जो बाल बच्चों समेत आई थी ये कहते हुए देखा कि बाल बच्चियन को ताड़ियत रखियो। उसके कहने के लहजे से मैं जो समझा वह ये था कि टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। इस अवधि ताड़ना में कंसर्न है, इस अवधि ताड़ना में सलाह है, इस अवधि ताड़ना में सद्भाव है। लेकिन जिन लोगों ने संस्कृत अंग्रेजी के शब्दकोश पढ़े हैं, जिन्होंने शब्दार्थ कौस्तुभ पढ़ा है, जिन्होंने मॉनियर विलियम्स के जो हैं संस्कृत अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ी है या आप्टे की डिक्शनरी पढ़ी है, वे लोक परंपरा से निसृत इस अभिव्यक्ति के कहीं पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। समुद्र वैसे ही डरा हुआ है, समुद्र वैसे भी डरा हुआ है, उसके मनोभाव के अनुकूल ये है कि वो भगवान से कहे कि वह ध्यान रखने के काबिल है, केयर करने के काबिल है। यदि पीटना ही उसका अभिप्रेत होता तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी से उसे कोई सहायता मिली नहीं रही थी, क्योंकि वो तो विप्र रूप धरकर आया था। विप्र रूप का तुलसी हनुमान विभीषण प्रसंग में भी उपयोग कर चुके हैं कि विप्र रूप धरि वचन सोहाए। इसलिए विप्र का रूप रखकर शूद्र की बात करने का क्या औचित्य हो गया? समुद्र स्वयं को राम के सामने एक ऐसे व्यक्ति की तरह पेश करता है जो विशेष अवधान के लायक है, विशेष खातिर तवज्जो के लायक है। बच्चों की देखभाल करते रहना, यह भाव अवधि ताड़ियत रहियो में है, संस्कृत ताड़ना में नहीं है। अवधि ताड़ना में एक चिंता, एक ख्याल, एक अवेक्षा का भाव है। यह तुलसी की चित्तवृत्ति के अनुकूल भी है, उस चित्तवृत्ति के जिसने सीता, निषाद, हनुमान जैसे पात्रों के पुनर्सृजन में हृदय का पूरा सत्व उड़ेल दिया था। प्रणाम, धन्यवाद।